नमस्कार डॉक्टर, और नमस्कार सर। आपका बहुत स्वागत है। जो हमारा शो है, इसका नाम है सिटी सेंस, और आप लेके म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। अभी नया काउंसिल बनने वाली है, और आपसे बहुत सारी हमारी पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, आपका 5 साल में आपका क्या अनुभव रहा है लेह में काम करने का? क्योंकि आप पहले सरकारी नौकरी में थे, आप वेटरनेरियन हैं, और साथ में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो एक बहुत बड़ा स्वप्न बुना गया, खासकर लद्दाख के एरिया में, कि अब हमें एक तरह से आज़ादी मिल गई है और अब हम अपने खुद तय करेंगे डिसीजंस। लेकिन हमने देखा कि डाइसेंशंस तो बड़ी है वहाँ पर इलाके में, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शहर को एम्पावर होना चाहिए था, उसमें कितनी एम्पावरमेंट हुई है? तो आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है, और कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लद्दाख में? टिकेंद्र साहब, ऐसा है कि वैसे तो ये जो आपका यूएलबी का जो 74th अमेंडमेंट हुआ वो जम्मू एंड कश्मीर में लेट लागू हुई लेकिन लागू लागू हुआ। अच्छा हुआ, बाद में हुआ, अच्छा बाकी कंट्रीज के बाद में हुआ। जी, तो उसके बाद इन कंटेक्स्ट ऑफ ले कहें तो जब हम लोग तो व्हेन वी आर ए पार्ट ऑफ द एज वेल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब हमारा अक्टूबर 18 में फर्स्ट टाइम ले का यूएलबी का इलेक्शन हुआ। तो उसका आपका यूएलबी आपका एग्जिस्टेंस में फिर नवंबर 3 से आया, 2018 2018 से। 2018 उसके इमीडिएटली जब हमको हम हमारा ये बॉडी फॉर्म हुआ, उसके बाद उसी फरवरी में, 19 के फरवरी में, तो जब हम पार्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो लद्दाख को आपका एक डिवीजन डिक्लेयर किया गया। जी, तो उसमें फिर आपका देखा जाएगा तो आपका इस्टेब्लिशमेंट बढ़ गया, एक डिवीजनल कमिश्नर साहब आ गया, डायरेक्टरेट्स आ गया। हाँ, तो उसके बाद ही 19 में फरवरी के बाद, अभी 6 महीना भी नहीं हुए थे, तो अगस्त में। अगस्त में फिर आपका बाइफरकेशन हुआ और लद्दाख बिकेम ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी बट विदाउट लेजिस्लेचर। जी, तो अभी तक कोई लेजिस्लेशन नहीं हुआ नहीं, वहां अभी पर, तक भी नहीं नहीं? है। हाँ तो सही मायने में देखा जाएगा तो मेजोरिटी ऑफ द लद्दाखीज ने सोचा यूटी मिला तो हाँ बहुत कुछ होने वाला है, बट नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट ये यूटी बहुत अधूरा सा यूटी था, या कम से कम उसमें लेजिस्लेचर होना चाहिए था, ये नहीं था। तो वो एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हमें ये एश्योरेंस दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चलो आपको लेजिस्लेचर नहीं है तो आपका जो दो हिल काउंसिल्स है उसको हम इम्पावर करेंगे। जी, तो लोगों ने सोचा ठीक है, ये भी तब भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन जब हम रियलिटी में देखने लगे तो वो रियल सेंस में इम्पावर्ड हुआ नहीं। बाकी मैं तो कहूँगा उसमें कमियां भी आई, क्योंकि पहले हमारे यहाँ क्या होता था, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड काउंसिल करते थे, हाँ, वो भी रुक गया। अच्छा, आपका हमारा फंड्स नॉन लैप्सेबल होता था, हाँ, वो भी खत्म हो गया, ये ओके, हाँ लैप्सेबल हो गया। हाँ चलो एलोकेशन बढ़ा, अच्छा, लेकिन क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी ऑल ऑफ ए सडन, तो एक्सपेंडिचर करना बहुत मुश्किल हो गया। तो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जो पहला साल यूटी बनने के बाद एलोकेशन तो 5,900 लगभग 6,000 करोड़ का हुआ, लेकिन उसका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर आपका 23% ही रहा, मतलब आपका लगाओ 1,000 करोड़ के आसपास। 1,000 का, तो हाँ एक हजार हाँ पांच सौ के जी, आसपास। तो और ये पैसा सारा खर्च कर रही थी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके उसमें थ्रू नहीं था? ना, उसमें क्या था, दोनों काउंसिल को 2,500,000 का, 250 करोड़ दिया, तो 500 करोड़ हो गया दो यूटी का, सिर्फ दो सिर्फ, जो इलेक्टेड एम्पावर्ड हैं, हाँ और एक, म्युनिसिपल काउंसिल को और फर्दर कम बंट गया होगा, क्योंकि हाँ वो तो अब आपका तो म्युनिसिपल फाइनेंस कमीशन से भी पैसा कट गया। हमारा, क्योंकि हमने बोला यार पहले 14th फाइनेंस से थोड़ा बहुत पैसा जम्मू हाँ कश्मीर हाँ की तरफ आते हाँ जी, थे, 15 से तो बिल्कुल आया नहीं। जब हमने हाँ पता किया तो ये बताया गया कि भाई यूटी विदाउट लेजिस्लेचर को, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन का जी जी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो जी भी कट गया। जी अच्छा, दूसरी बात ये हुआ कि आप देखा जाएगा तो 6,000 करोड़ में से 500 करोड़ ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जी डिस्पोजल पर है, जी 5,500 करोड़ तो आपका हायर जी जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास है, एक जी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जी का वो ढांचा बन गया। जी जहाँ तक हम म्यूनिसिपलिटी की बात कहेंगे, हमारे आने के बाद
ये 5 साल में कुछ जगह पर हमने इम्प्रूवमेंट की, फॉर इंस्टेंस स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग हमारा अच्छा रहा। उसी तरह से रिपेयर ऑफ फुटपाथ, वाटर सप्लाई, तो हम लोग एनजीओ और बाकी उनके साथ मिलके आपका पायलट प्रोजेक्ट्स किया 24x वाटर सप्लाई का। उसी तरह से हमने सीवरेज, जो पहले 3 MLD का एक TSP था वो भी ठीक से नहीं चल रहा था, उसको भी थोड़ा बहुत सुधारने की अभी शुरू कोशिश, शुरू हो गया, इसलिए अभी भी वो चलना। शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। बाकी जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसको भी हमने अभी DPR बनाने में है, तो ये सारे हुआ। सही मायने में फिर कौन से आपके पास, हमारे जो इलेक्टेड बॉडी के पास एस सच डायरेक्ट, जैसे आपका MP साहब के लिए या MLA के पास CCDF का कोई फंड होता है, या काउंसिलर साहब उनके पास है, ऐसा कोई भी हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है। तो ऑल वी हैव टू डिपेंड अपॉन द ग्रांट्स, फिर उसमें फिर आपका ये सारा गवर्नमेंट का प्रोसीजर, सेंक्शन लेना, प्रपोजल भेजना, वो सारा अभी है। एक डॉक्टर साहब हमने और देखा है जो मतलब जैसे आप पहले लद्दाख में, मैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पास आया हूँ लेह में, और अब मैंने देखा है कि थोड़ा जो पहले इतना लोगों में कॉन्फिडेंस था, अभी बहुत ज्यादा उनमें एक अनिश्चितता है। मतलब डिस्कंटेंट भी बढ़ रहा है और अनिश्चितता है, उनको पता नहीं है क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी हो गई है। और कारगिल को जाते हुए जो पहले हम देखते नहीं थे, अभी मैंने देखा थोड़े थोड़े लोगों ने जमीन पे पत्थर लगाकर अपनी हदबंदी करनी शुरू कर दी है। तो वो हाँ, मुझे समझ में नहीं आया, वो क्या हो रहा है? मतलब वो क्या रिक्लेम करना शुरू कर दिया है लोगों ने लैंड, या कुछ खतरा लग रहा है कि जमीन, क्योंकि शेड्यूल जो 6 की बात हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को? मैं तो टिकेंद्र साहब इस तरह से सोचता हूँ कि आपका पहले जब हम जम्मू एंड कश्मीर के साथ में थे तो एक 370 और 35A का एक जी प्रोटेक्शन था, जी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का, जमीन को लेकर जमीन था। हाँ को लेके, जॉब को लेके, है जी ना। तो अब वो सारा खत्म हो गया, जी तो फिर आपका ये एपेक्स बॉडी और ये जो कैरिए का वो जो उन्होंने जी बनाया, तो केडीए उसमें का मतलब हुआ आपका करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ और ले एपेक्स बॉडी, जी तो ये दोनों मिल के फिर सेफ गार्ड ढूंढने लगे। जी 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 तो उसके चलते फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल आपका जो नॉन गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए जी एक, उन्होंने एक टेम्पोरेरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ लद्दाख होना जरूरी है, अच्छा, बट द वर्ड टेम्पोरेरी इज या प्रिसीडिंग कोई भी दैट, रह सकता है। नहीं हाँ उसका टेम्पोरेरी है, ये जी जी फिलहाल के लिए है। हाँ तो एक वो है, जी सबसे सफर इसमें 5 साल में क्या हो गया, जो हमारे बच्चे जो जो ग्रेजुएट किया जी 19 में, जी जी उनका जो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू रह गया। हाँ हाँ अभी आप देखिए 5 साल में अभी गेजेटेड का रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बना। अब हमारा किसके साथ, डेनिक्स के साथ होना है, UPSC के साथ होना है, क्या होना है, अभी क्लैरिटी वो नहीं है। क्लियरिटी नहीं है। तो तो ये जो अनिश्चितता ज्यादा बढ़ रही है। अनिश्चितता, तो अनएम्प्लॉयमेंट से बढ़ गया, हाँ ऊपर से आपको लैंड के लेके भी बढ़ गया। जी जी तो ऐसा है ना तिकंदर साहब, जैसे एक लद्दाख एक बहुत फ्रेजाइल जी इकोलॉजी है, पूरा ग्लेशियर पर ही आपका जितना भी जो 300 गांव है, 300 में से 99% ऑफ द विलेजेस अब डिपेंड करता है ग्लेशियर मेल वाटर पर। ओके अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्लेशियर रिसीड हो रहा है, जी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जी वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, हाँ फ्लश फ्लडिंग का इश्यू है। जी जी तो ये सारा लेके और भी अगर एक जगह में कैरिंग कैपेसिटी आपका लेटर से ए होगा, अब उसमें A+B आ जाएगा तो और भी मुश्किल होगा। जैसे आपका मैं बता दूं, लेटर से 3 सेंचुरीज बैक एट द टर्न ऑफ दी लेटर 17वें सेंचुरी में वर्ल्ड का पॉपुलेशन बिलियन, 1 बिलियन के अंडर था, 1 बिलियन था, जी जी ये 300 350 साल में ये आप 9 बिलियन में जा रहा है। तो हाँ 9 बिलियन मीन्स 8 बिलियन लोग और एक्टिविटीज करेगा, दे विल हाँ कार मोर डैमेज टू इन्वायरमेंट, जंगल काटेगा, फसल जी होगा, तो फिर देन द नेचर विल नेचुरली जी एक तो लद्दाख में प्रॉब्लम हो रही है लद्दाख उससे। नहीं, में ये प्रॉब्लम काफी होने वाला है, क्योंकि आपके दो बहुत बड़े एलिमेंट और हैं ना डॉक्टर साहब, जो एक तो टूरिज्म एकदम फ्लश हो गया है, काफी ज्यादा आना शुरू हो गया है, और दूसरा आर्मी की भी बहुत बड़ी कंटिजेंट। अम्मा आर्मी पे बाद में आएंगे, लेकिन ये जो टूरिज्म जो आप आ रहे हैं, और मुझे याद है मैं आपके एक कॉन्फ्रेंस में आया था जहां पर
आईएमआई ने आपका वेस्ट ऑडिट किया था, और वेस्ट ऑडिट में ये कहा था कि जो 10 बिगेस्ट पोल्यूटर्स हैं लद्दाख में, उसमें से 8 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, जिसमें नेस्ले है, पेप्सी है, कोक है, हमारे भी दो हैं जिसमें अमूल है और एक और जिसका नाम था शायद हल्दीराम करके, हल्दीराम जो ना बायोडिग्रेडेबल है ना आपका रिसाइकलेबल है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? टूरिज्म चाहिए भी, जैसे हमारी बातचीत हो रही थी कि लोगों को रोजगार है, मतलब 6 महीने का ही टूरिज्म है आपके पास, तो कैसे आप इसको देखते हैं, बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है प्रोसेस में? देखिए, आजकल हम लोग वर्ल्ड ओवर में एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, सस्टेनेबल। SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, UN का इतना सस्टेनेबल 18 गोल्स है, तो अगर हमने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो ऐसा एक बैलेंस तो वी विल हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस समवेयर। अगर आप बैलेंस नहीं स्ट्राइक करेगा तो वो आपको लॉन्ग रन में लेने के देने पड़ जाएंगे, तो यही हमारा सबसे कंसर्न है। जैसे लद्दाख के कंटेक्स में अगर आपका टूरिज्म है, आपका आर्मी है, जो भी हो, तो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आपका खासकर खाने पीने का पैकेजिंग में होता है, अपने वहां से तो उतना उत्पादन होता नहीं, बाहर से आ रहा है आपका, चाहे अमूल हो चाहे जो भी हो, तो फिर वहाँ APR भी लागू नहीं है हमारे एरिया में, जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो ये सारे जो उसका वेस्ट है जनरल। अभी हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुश्किल म्यूनिसिपलिटी की क्या रहा है, हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है, वहाँ पर हम लोग ड्राई और वेट अलग से लेते हैं, फिर हम उसको फर्दर सेग्रीगेट करते हैं ड्राई को, उसको 10-12-15 कंपोनेंट में। अब हमारे वहाँ जो जैसे टेक्सटाइल हो, प्लास्टिक हो, पेट बॉटल्स हो, उसका प्रोसेसिंग प्लांट विद इन लद्दाख रीजन में है नहीं, तो उसको आप चलो कंपैक्टिंग का आप करते हैं, उसको फिर ले जाना पड़ेगा वापस, फिर हम किसी को बोलते हैं भाई कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे के आप किसी तरह इसको उठा के जहाँ प्रोसेसिंग प्लांट आउटसाइड लद्दाख दिल्ली से बोतल आएगी वापस दिल्ली पहुंचाना है ना, तो ऐसा मसला है। एक तो ये तो ले में चलो ठीक है, अब बाकी जगह और भी मुश्किल है, क्योंकि आपका पांगोंग साइड जाएगा, टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा है, नुब्रा है ज्यादा है, तो वहाँ पर ये दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, तो ये सारे इश्यूज है। आप देखिए लेह का कारगिल का मिला के लगभग 3 लाख हमारा पॉपुलेशन है, अगेंस्ट दैट पिछले साल 5-5.5 लाख का तो टूरिस्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड, 5.5 लाख। अच्छा, उसके बाद आपका 50-60,000 माइग्रेंट लेबरर्स है, क्योंकि हमारे वहाँ सारा भारत से आता है आपको पता, तो इससे क्या होता है, एक तो आपका पॉल्यूशन, आपका जो लिटरिंग और वेस्ट का इश्यू है, दूसरा देयर इज ए सीवियर कंस्ट्रेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्स, पर्टिकुलरली वाटर। वाटर आपका एक तो वैसे भी ग्लेशियर रिसीड हो रहा है, आपको मैं अभी लेह के बारे में बताऊंगा तो 90% ऑफ वाटर जो सप्लाई हो रहा है इट इज फ्रॉम अंडरग्राउंड, और वो कंटामिनेट हो चुका है, और बहुत कुछ जगह कंटामिनेट हुआ है, तो वाटर अदरवाइज भी आपको मैं एक फिगर दे दूंगा, 1951 में इंडिया का जो पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर था, इसका मतलब एक आदमी को 500 लीटर से ऊपर पर कैपिटा, ये 60 साल में 1951 से लेके आपका 2011 तक वो 5000 से घट के 1545 क्यूबिक मीटर हो गया, तो इतना ड्रास्टिक वैसे थ्रू आउट कंट्री, तो लद्दाख तो और भी क्राइसिस, और भी क्राइसिस, तो ये सारे है इस, तो रिस्पांसिबल टूरिज्म आप डॉक्टर साहब किसको बोलेंगे? जैसे तो मानना ये है कि जैसे आए चलो आपका कल्चर देखने जाए, टिके थोड़ा, मतलब ये जो आना जाना और एकदम नुकसान करना, आप कैसे देखते हैं कि कैसे बैलेंस हो सकता है? पिछले दिनों आपने भी देखा होगा हमारे जो यूथ पर्टिकुलरली एक्साइटमेंट में होते हैं, गाड़ी पंगोंग में लेक में ड्राइव कर जाते हैं, पास्चर में चले जाते हैं, यू नो, तो हमारा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही वो कल्चर्ड वो है, एक सेक्शन है, लेकिन जनरली हम लोग बहुत केयर फ्री है, वी डोंट थिंक, हाँ, neither you don't think in terms of the sensitivity of the area, culture ke angle se you don't think in terms of sensitivity of the ecology, hai na, to wo ek challenge hai hamare liye, to last question of sir, kyunki halanki le ke bare mein to bahut zyada charcha hona bhi kam hai, wo ye hai jo hamari aise baat bhi ho rahi thi in person,
आपके पास एक बहुत बड़ा फौज का कंटिजेंट है, बहुत सेंसिटिव इशू है, पिछले दिनों ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा आपके साथ जो मतलब जिसको बहुत सारी भाषा में कहा जाता है कि मेजर स्टेक होल्डर्स, या आप ये कहें कि जो असली मालिक है उस जगह के, वो तो आप ही लोग हैं। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसमें जो पास्चर्स पे आपका जाना, उसका रिस्ट्रिक्ट होना, और उसकी वजह से एक नया मतलब सोशल टेंशन खड़ा होना, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पास्चर्स तो बेसिकली पास्चर्स है, वो हमारे भेड़ बकरी के लिए है, मतलब जो फ्लॉक है हमारे पास, और वो अभी रिस्ट्रिक्ट करने से उसका मिलिट्री एंगेजमेंट में क्या असर पड़ता है, और उसको रिजॉल्व करने का क्या इश्यू आप देखते हैं, कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एनिमल हस्बेंड्री में रहा, तो इसीलिए मेरा मेरे सवाल था। क्योंकि फिर जो आपका ईस्टर्न लद्दाख, अभी जो काफी बहुत न्यूज में आते हैं, चंगतंग बोलते हैं हम लोग उसको, तो दिस इज द पास्चर एरिया जहाँ आपका ये पश्मीना गोट वगैरह हम लोग को रेयर करते हैं, जहाँ ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं। तो आई हैव सर्व्ड इन देयर एरिया फॉर 6 इयर्स, तो मैं उसे, तो आई एम वेरी कन्वर्सन है उस। ऐसा है, दो तीन मोटी मोटी बात है। एक तो बॉर्डर का जो LAC का, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जी, पाकिस्तान के साथ LOC, इसका तो हम लोग इसको बोलते हैं LAC, जो लद्दाख का जो पोर्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल, समझ गया बिल्कुल। तो वो आपका चुमूर से लेके ईस्टर्न लद्दाख से लेके आपका देपसंग प्लेन, आपका ऑलमोस्ट सियाचिन तक एक बॉर्डर LAC है, ठीक है। वो कोई 800-900 किलोमीटर लगभग उतना है, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो उसका परसेप्शन बहुत अलग है, चाइनीज परसेप्शन और हमारा परसेप्शन। क्या डिफरेंस है दोनों के परसेप्शन में? परसेप्शन में ये है, क्योंकि बहुत पहले आप जब 59 में जब चाइनीज ने टेक ओवर किया तिब्बत, तब तक तो इशू नहीं था तिब्बत के साथ, जब आया तब ये एक्चुअली देखा जाएगा तो बहुत ही हार्श और एक इनहॉस्पिटेबल बैरन एरिया था, एरिया जो बॉर्डर वाला है। तो नदर वी केयर्ड, नदर द चाइनीज केयर्ड, तिब्बतियन से आया। तो जब आपको पता नहीं है 15-30 किलोमीटर खाली है, बहुत ठंड है, कोई पेट्रोलिंग भी नहीं करते हैं, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपका जब सैटेलाइट से आपने देखने लगा, हाँ सोशल मीडिया आ गया, तो ये सारा बढ़ गया, बढ़ गया। तो उसमें हम लोग जब पहले लद्दाख टूर जाते थे चांगथांग में, तब तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते थे, DC साहब। तो DC साहब को जब भी चांगथांग वाले एप्लीकेशन देते थे, उसका नंबर 1, 2, 3 में, फर्स्ट और सेकंड में जो हर टाइम आता था, नंबर 1 कि हमारे यहाँ हमारे जो हमारे इंडियन आर्मी के जो फोर्स यहाँ पर तैनात है, वो लोग हमें अपने पास्चर जो आगे है जाने नहीं दे रहा, अच्छा उसको थोड़ा सा कुछ कीजिए। दूसरा यहाँ है वाइल्ड वाइल्ड गधा होता है, हम स्कैंग बोलते हैं, अच्छा वाइल्ड गधा, वाइल्ड गधा, वाइल्ड वाइल्ड यू नो इक्वाइन है घोड़े की तरह। तो कहता है द नंबर इज इंक्रीज सो मच। वहाँ चांगथांग में क्या होता है, आपका रोटेशनल पास्चर होता है, ओके। तो एवरी टाइम भी वो ग्रेजिंग नहीं करते हैं, कुछ 6 महीने के बाद रखते हैं विंटर पास्चर। तो ये स्कैंग आके वो खा जाते थे, तो बिफोर दे मूव इनटू द पास्चर, पास्चर घोड़े खा लिए, तो फिर वो भेड़ बकरी को बचेगा नहीं। तो ये इसमें क्या था कि पास्चर हमारा लाइन पर लाइन आगे है, हमारा आर्मी का पोस्ट 2-5 किलोमीटर पीछे है। तो आर्मी को अपना अप्रिहेंशन की वजह से बोलता था तुम उधर पास्चर में नहीं ले जाएगा तुम्हारा ट्रेडिशनल पास्चर, अब ये जाने नहीं दिया। तो ऑन द अदर साइड आल्सो देयर आर चांगथांग नोमैड, चाइनीज तो नहीं है सर, अच्छा अच्छा वहाँ भी उसी तरह से तो वो देखता है यार नामग्याल का फैमिली इस साल भी नहीं आया, अगले साल भी नहीं आया, देन दे मूव इन। ओके ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एथनोग्राफिक क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सोचता है यार शायद या तो उसका भेड़ बकरी खत्म हो गया है, यार ही इज नॉट इंटरेस्टेड, अच्छा दे आर नॉट नोइंग कि यहाँ जाने नहीं दे, कम्युनिकेशन का तो कोई साधन है, कम्युनिकेशन का साधन है वही कम्युनिकेशन, तो फिर वो मूव किया। तो इसी तरह से वी लॉस्ट लॉट ऑफ यू नो पास्चर इन एडवर्टन अनफॉर्चूनेटली, अच्छा तो वन ऑफ द वेज आई थिंक टू रीविजिट इसको ये है कि आपको पास्चर्स को खोलना चाहिए, जाने देना चाहिए लोगों को। आप और भी समस्या आ गया पास्चर का, आप खोलेगा भी क्या हो गया, आज से 30 साल पहले भेड़ बकरी बचा नहीं होगा, आप और जो टूरिज्म में चला गया, टैक्सी ड्राइवर में चला गया, तो आप
लोगों के पास उतना जितना लाइफ स्टॉक पहले था उतना है भी नहीं। बहुत सारे फैमिलीज तो दे हैव टोटली मूव टू ले, तो ये सारा इश्यूज है। लास्ट आई मीन मैं बोल रहा था लास्ट, लेकिन लास्ट आपसे बात करने का भी बड़ा मजा आ रहा है आपका। लास्ट क्वेश्चन ये मैं कि आप कैसे देखते हैं उसे, आपका मतलब अनुभव रहा है, आपने सिटी सर्व की है, गवर्नमेंट सर्व की है, अभी लद्दाख में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एक चर्निंग हो रही है, एक सोशल अनरेस्ट है, आप कैसे देखते हैं इसको रिजोल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि ये सोशल अनरेस्ट मतलब एक सीमा के बाहर ना जाए? एक तो सर मेरा तो ये मानना है, दिस विल बी अ पॉलिटिकल आंसर बट द फैक्ट रिमेन्स, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि वी शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग, वन शुड बी पैट्रियोटिक, वन शुड बी वेरी लॉयल टू योर कंट्री। ठीक ठीक है, जब ये है तो उसके बाद संविधान के अंदर जो भी प्रोविजन है लाइक फॉर लद्दाखीज आर आस्किंग फॉर समथिंग लाइक सिक्स शेड्यूल, वो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई मेरा ख्याल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी अप्लाइड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ले जैसे एरिया में जहाँ इतना इन्वायरमेंट का चक्कर, वो इकोलॉजी फ्रेजाइल है, पानी का समस्या है, कैरिंग कैपेसिटी कम है, थोड़ा बहुत रेगुलेट घर में भी करते हैं ना, बच्चे को आप खुला तो नहीं छोड़ बिल्कुल, तो रेगुलेट करें। एंड वंस द गवर्नमेंट इज कन्विंस उसमें लद्दाखी लोग को पेट्रोटिज्म में कोई कमी नहीं है, वही लड़ते हैं सबसे पहले। सो UC-48, UC-62, UC-65, UC-9 आपका कारगिल वार देखो, कभी भी देखो, तो वी आर इन द फोरफ्रंट। ये जब है तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फेवरेबली कंसिडर करेगा तो समस्या समाधान हो जाएगा। और वो और भी जरूरी इसलिए है, द फैक्ट रिमेन्स द चाइनीज गवर्नमेंट हैज नॉट रिकॉग्नाइज द क्रिएशन ऑफ यूटी लगा आज के डेट तक, है ना, तो इसलिए वो लेजिस्लेचर होना जरूरी है। लेजिस्लेचर होगा तो एटलीस्ट द गवर्नमेंट कैन से लुक दे आर मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। तो ये सारा डीपली जाके अगर सोचे तो समाधान निकाल सकते। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।